हेलो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 में अपने चार्जिंग और कैपेसिटर सीखी थी, और चार्जिंग और कैपेसिटर के लिए मैंने दो इक्वेशन डिराइव की थी। चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी और करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, यानी किसी भी टाइम बाद टी बराबर 0 से टी बराबर इन्फिनिटी के बीच में अगर आपके पास कोई सर्किट है जिसमें रजिस्टर भी है और कैपेसिटर भी है, तो उन दोनों में उन सर्किट के लिए अगर आप किसी भी टाइम टी पर कैपेसिटर प्लेट पर कितना चार्ज है वो फाइंड आउट किया था, या इक्वेशन लिखी थी जनरल अपन ने, या फिर करंट के लिए भी बात की थी किसी भी टी टाइम बाद आपका करंट क्या हो सकता है। तो वो दोनों इक्वेशन आपको ढंग से आने चाहिए, और क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं दोनों इक्वेशन से, और किस टाइप के बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। ग्राफ भी अपन ने पढ़ा था, टाइम कांस्टेंट के बारे में सीखा था कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है कैपेसिटर का, जिसका टाइम कांस्टेंट कम होगा वो कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा। 100% कैपेसिटर को अपन चार्ज नहीं करते क्योंकि उसके लिए टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा जाती है। अगर आपको ध्यान हो तो इक्वेशन भी आपके पास क्यू बराबर क्यू मैक्स 1 माइनस ई टी बाई आर सी, और इस आर सी को कहा था अपने टाइम कॉन्स्टेंट, और इसको क्या लिखा था टाउ के बराबर भी लिखा होता है, ठीक है। अब इसका ग्राफ भी था और क्यू मैक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास सी इंटू वी, जहां पर सी कैपेसिटेंस है और वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, और आई की इक्वेशन थी आपके पास आई बराबर आई मैक्स ए की पावर माइनस टी बाई आर सी, यानी कि किसी भी टाइम टी पर आपके पास करंट की वैल्यू भी है ना। और इन दोनों इक्वेशंस के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से आते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि कोई कैपेसिटर है जिसमें मैक्सिमम चार्ज Q है या C इंटू V है, तो उसका हाफ चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा क्या दे रखा है, सुनिए ध्यान से, कोई सोल्व नहीं करेंगे, कैलकुलेटिव पार्ट है, सिंपल आपको डेटा गिवन है और आपको सोल्व करना है क्योंकि जैसे आपको मान लीजिए क्यू मैक्स बराबर क्यू दे रखा है, सपोज करिए क्यू मैक्स बराबर कैपिटल क्यू दे रखा है, आपसे पूछा गया है कि कितने टाइम बाद आपके पास जो चार्ज है उसकी वैल्यू इस मैक्सिमम चार्ज की 1/2 हो जाएगी, इस मैक्सिमम चार्ज की 1/2 हो जाएगी। आपको आर गिवन होगा सी गिवन होगा, यानी कि यहाँ पर जो डेटा है यानी कि इस क्यू की वैल्यू तो क्या हो जाएगी क्यू बाई टू, इस क्यू की वैल्यू यानी कि यहाँ पर क्यू बाई टू और यहाँ पर क्यू लिखे अपन 1 माइनस ई टी बाई आर सी। तो इस इक्वेशन को आराम से सोल्व किया जा सकता है ना, और आपको अगर जो नॉन वेरिएबल्स है मतलब ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो वो आपको एग्जाम के अंदर गिवन होती है, जैसे लॉगरिथम में की वैल्यू, जब एक्सपोनेंशियल को आप क्या करोगे हटाओगे यहाँ से इक्वेशन बनेगी आपके पास 1/2 = 1 - e^2 / t / r × c। तो इसको सोल्व करोगे आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा, अगर वो अलग आता है तो आपको इसकी वैल्यूज गिवन होती है ना। आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ जो करंट है मैक्सिमम करंट का 3/4 हो जाता है, मैक्सिमम करंट का 3/4 हो जाता है, तो बताइए कि आपके पास कितने टाइम बाद ये कंडीशन जनरेट होगी। तो कुछ नहीं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करना, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी, इसलिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन से चार्जिंग और कैपेसिटर से, ठीक है क्या। अब मान लीजिए अगर ये इक्वेशन आपको याद है तो आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ किसी भी टाइम टी बाद कैपेसिटर के अक्रॉस या रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताओ, तो रेजिस्टर के अक्रॉस तो क्या होता है आर बराबर आई इंटू आर, जहां पर आई की वैल्यू क्या है आई मैक्स इंटू ई माइनस टी बाई आर सी, उस आई मैक्स की वैल्यू क्या होती है वी बाई आर, ठीक है ना, सारी चीजें अपन ने वहां देखी थी। तो अगर आपसे पूछ लिया कि किसी भी टाइम बाद मान लीजिए पोटेंशियल रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताइए तो वी आर बराबर आई आर, कैपेसिटर के अक्रॉस बताइए तो क्या होता है क्यू बाई सी, और क्यू बाई सी क्यू की वैल्यू ये है ना। तो आपको डेटा गिवन होता है सिंपल, और ये पूछ लेते हैं कि बताओ कितने टाइम बाद कौन सी वैल्यू क्या होगी, किसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा और किसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ठीक है क्या। ये होगी आपसे मान लीजिए एनर्जी पूछ ले, तो एनर्जी क्या होती है हाफ सी वी स्क्वायर, कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है हाफ सी वी स्क्वायर, आप सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय सी, तो सी वी को क्या लिखते हो आप क्यू, यानी कि क्यू स्क्वायर बाय टू सी। तो आपसे पूछ ले कि एनर्जी की वैल्यू बताओ कितने टाइम बाद, तो आपकी इक्वेशन ये है क्यू की वैल्यू आपने निकाल रखी है ना, आपको डेटा गिवन होंगे। आपसे पूछ ले कि एनर्जी की वैल्यू के लिए टाइम बताओ जब जो एनर्जी है वो मैक्सिमम एनर्जी की क्या आ जाए 1/2 हो जाए, और एक पूछा भी गया क्वेश्चन है कि आपसे सिंपल टाइम पूछा था कि आपको बता रहे हैं कितने टाइम बाद आपके पास जो एनर्जी है इनिशियल कंडीशन दे रखी थी कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस सी दे रखा था पोटेंशियल वी दे रखा था, और आपसे पूछा था सिंपल कि ये जो कैपेसिटर है इसकी जो एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर होती है इसकी वैल्यू कितने टाइम बाद इस ओरिजिनल वैल्यू की 1/2 होगी, इस ओरिजिनल वैल्यू की 1/2 होगी, यानी कि सपोज करिए कि ई डैश है वो ई इनिशियल एनर्जी का हाफ कब होगा, इसके लिए आपको टाइम फाइंड आउट करना था। ई की वैल्यू आपको पता है q² / 2c होती है, लेकिन आपको e/2 है तो q की वैल्यू को क्या रख दो आप
जो आपको क्यू दिख रहा है, इस क्यू की वैल्यू को अगर आप क्यू बाय रूट टू लिखोगे, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि तो इसका स्क्वायर है, तो जब क्यू की वैल्यू क्यू बाय रूट टू होगी आपके पास, तो जो एनर्जी हो जाएगी वो नई एनर्जी की 1/2 हो जाएगी। तो यानी कि आपकी इक्वेशन वापस क्यू बाय रूट टू की टर्म में आएगी, और क्यू आपको गिवन है इसे, तो वैल्यूज पुट करनी है आपको। सिंपल क्वेश्चन आता है कि कौन सी वैल्यू कब होगी, एनर्जी का पूछा था, एनर्जी के लिए चार्ज की वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी आपको, क्यू बाय रूट टू, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के लॉजिकल क्वेश्चन, सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। आपको डेटा गिवन होता है, आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, बस आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए और कैसे यूज करनी है इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए तो चार्जिंग की बात, अब बात करते हैं डिस्चार्जिंग की, यानी कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अगर आपका कैपेसिटर चार्ज है फुली और उसको किसी लोड के अक्रॉस आपने अप्लाई कर दिया, तो उससे चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करेगा तो करंट की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। और जो करंट है वो बताना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डी, और कैपेसिटर प्लेस में चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डी। तो अपन बात करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक। तो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग की बात करें, सपोज करिए आपके पास कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है ना, और ये फुली चार्ज है, किसी भी पोटेंशियल वी से अप्लाई, तो मैक्सिमम चार्ज का होगा सी इंटू वी, है ना, इस पे सी इंटू वी आ जाएगा, इसमें माइनस का सी इंटू वी, या चाहे तो आप क्यू लिख दो कोई दिक्कत नहीं, और माइनस क्यू। अब आपने इसको किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाया और यहाँ पर की लगा दी, है ना। अब आपको बताना है कि इस वाले सर्किट में या रेजिस्टर के क्रॉस जो करंट फ्लो करेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, बताना है आपको कि कितने टाइम बाद आपका जो करंट है वो इसके क्रॉस फ्लो करेगा, ठीक। और चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी मतलब जैसे जैसे क्या होगा, आप कनेक्ट करोगे इस की को, तो यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगा, मीन्स इस प्लेट पे चार्ज कम होता रहेगा आपके पास, और करंट की वैल्यू इसके अक्रॉस मिलती रहेगी, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग सर्किट के लिए देखिए किस तरह से फॉलो करते हैं, प्रोसीड करते हैं इसको। मान लिया आपके पास एक डिस्चार्जिंग सर्किट है, सिंपल ये हो गया आपका डिस्चार्जिंग सर्किट, और ये हो गया लोड रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटेंस सी और रेजिस्टर आर, की लगा रखी आपने, तो t बराबर 0 पे, तो जैसे आप की को क्लोज करते हो, t बराबर 0 पर क्लोज करते हो, तो उसी कंडीशन पे आपके पास कोई भी इनिशियल क्या है, इस वाली प्लेट से जो भी चार्ज है इनिशियल का, और जैसे की क्लोज की, तो इस सर्किट के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो आपके पास क्या होगा, सर्किट के अक्रॉस कोई करंट भी नहीं होगा, सिंपल बोल दी, इस रेजिस्टर के अक्रॉस कोई करंट नहीं होगा, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो यहाँ से चार्ज टूटेगा और सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अगर फ्लो कर रहा है तो फिर से करंट जनरेट होगा आपके पास, उस करंट की वैल्यू निकालनी है, है ना। तो अज्यूम करते हैं एट एनी टाइम टी सपोज करिए चार्जेस एट कैपेसिटर प्लेट या ऑन कैपेसिटर प्लेट, अज्यूम कर लीजिए कुछ भी, सपोज करिए क्यू, और यहां क्यू तो यहां पर माइनस क्यू, आर क्यू एंड माइनस क्यू, किसी भी टाइम टी के बाद आपके पास कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज कितना है, क्यू और माइनस क्यू। अगर ये आपको क्यू मिल गया तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है यानी कि वी सी है उसकी डेफिनेशन होती है क्यू बाई सी, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आर होता है आपके पास सिंपल क्या होता है, आई इंटू आर। अब अपने को ये तो नहीं पता करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो इसलिए करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालते हैं ना। तो केवीएल से किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, नेट पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, या फिर आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट क्या है, पैरेलल है आपके पास, तो जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना पोटेंशियल इसका होगा। तो अपन डायरेक्ट लिखते हैं फ्रॉम केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ से आपका वी सी बराबर क्या हो जाएगा, वी आर, यानी कि वी सी की वैल्यू जो है क्यू बाई सी, और वी आर की वैल्यू आई इंटू आर, ठीक है क्या। इसको रीअरेंज करें इस इक्वेशन को, तो आपके पास हो जाएगा I is equal to Q by RC, ठीक है ना। I की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, Q by RC। अब I को क्या ले सकते हो आप, dQ by dt बराबर कितना आ जाएगा, Q by RC। अब इसमें एक और चीज़ है कि जो आपका dQ by dt है यानी कि चार्ज की रेट ऑफ फ्लो है, ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसके आगे क्या लिखते हो आप, माइनस। तो ध्यान रखना माइनस क्या इंडिकेट करता है, तो आपको लिखना है नेगेटिव साइन, सो दैट चार्ज इज डिक्रीजिंग, या रेट ऑफ फ्लो चार्ज इज डिक्रीजिंग, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपके पास, डिक्रीज हो गई। तो क्या इक्वेशन हो गया आपके पास, डी क्यू बाई क्यू बराबर माइनस का डी टी बाई आर सी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब लिमिट लगा देते हैं टोटल चार्ज निकालने के लिए, कि t बराबर 0 पर मान लीजिए मैक्सिमम चार्ज था c इंटू वी, या सिंपल बोलते हैं q,
है ना, जो आपकी इच्छा हो, और t बराबर t पर आपके पास चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो आएगा ln q, ठीक है ना, कितना आ जाएगा ln q, ln q, और लिमिट क्या है इसकी q से, सॉरी मैक्सिमम आ जाएगी q से स्मॉल q, और इधर dt का हो जाएगा t, तो ये आ जाएगा t by rc। जब आप लॉगरिथम में घटाओगे तो वैल्यूज क्या होती है, एक्सपोनेंशियल जाती है, और लिमिट पुट करते पहले तो ln q by q ये वैल्यू आएगी आपके पास, ln q by q is equal to माइनस का t by rc। यानी कि यहां से इसको हटाएं तो क्या ऑन टेकिंग एंटी लॉग या एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ठीक। तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो वैल्यूज आ जाएगी वो होगी आपके पास q इज इक्वल टू कैपिटल q e की पावर माइनस t बाई आर सी, ठीक है, e बाई आर सी। तो ये हो गया आपके पास चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो कितना आ गया q बराबर कैपिटल q, यानी कि कैपिटल q क्या है यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज है आपके पास, क्या है मैक्सिमम चार्ज है। तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t आपको मिल चुका है, अगर चार्ज आ गया तो आप यहाँ से करंट भी निकाल सकते हो, है ना। तो कैपेसिटर का जो डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, वो भी एक्सपोनेंशियल हो रहा है, और इक्वेशन होगी q बराबर q मैक्स, कैपिटल q को क्या कहा था मैक्सिमम e की पावर माइनस t बाई आर सी। तो आपको ध्यान होगा सेम ऐसी इक्वेशन किसके लिए बनी थी, करंट के लिए बनी थी अपन के, किसमें चार्जिंग सर्किट में। तो यहाँ पर आर सी को तो वही टाइम कॉन्स्टेंट कहेंगे अपन, टाइम कॉन्स्टेंट, और वन टाइम कॉन्स्टेंट की बात करते हैं, वन टाइम कॉन्स्टेंट की, यानी कि जो t है आपके पास जो टाइम है वो किसके बराबर होगा, वन आर सी के बराबर या वन tau के बराबर जो आप लिखो। तो जो q होगा सोल्व करोगे आप इसको तो q max, ठीक है, q max e की पावर माइनस वन, तो ये आएगा आपके सबके पास 0.37 q max, यानी कि जो चार्ज है वो कितना होगा इसका 37%, ठीक है ना, कितना 37%, यानी कि एक टाइम कॉन्स्टेंट के बाद चार्ज की वैल्यू कितनी आती है 0.37 ऑफ मैक्सिमम चार्ज, ठीक। उसी की तरह इक्वेशन है तो इसका जो ग्राफ है वो भी ऐसा ही बनेगा आपके पास, कैसा बनेगा, जैसे अपने चार्ज वर्सेस टाइम का बनाया था किसके लिए, सॉरी करंट वर्सेस टाइम का बनाया था चार्जिंग के लिए, तो उसी तरीके से सेम ग्राफ दिखेगा आपको इस तरीके से, है ना। और एक टाइम कॉन्स्टेंट में जो वैल्यू हो जाएगी वो मैक्सिमम चार्ज है, यानी कि c इंटू वी या q, ठीक है, जो मैक्सिमम आपने मैक्सिमम क्या लिखा q max लिखा है, ठीक। तो कितना हो जाएगा 0.37 c। तो ये है आपके पास करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी के लिए, सॉरी चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी के लिए ग्राफ, किसके लिए, डिस्चार्जिंग सर्किट के लिए। अब आप मान लीजिए जैसे करंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि बताइए करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट की वैल्यू क्या होगा, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, और किसका आएगा माइनस का डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू है तो इसको टी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट कर दे, तो वैल्यूज मिलेगी आई इज इक्वल टू q max का कांस्टेंट है आपके पास, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता, e by rc, और इसका कितना हो जाएगा माइनस का t by rc का माइनस 1 by rc, ठीक है, जो माइनस था वो यहां से कैंसिल आउट, तो i की वैल्यू आ गई आपके पास q max, ठीक है ना, q max अपॉन rc into e की पावर माइनस t by rc। तो i की वैल्यू होगी यहां से q max कितना होता है c into v e की पावर माइनस t by RC, तो हो गया अपने पास RC, तो यहाँ C से C कैंसिल आउट, तो I की वैल्यू आ गई V by R into E की पावर माइनस T by RC, तो I हो गया आपके पास I max E की पावर माइनस T by RC। तो ये आपके पास करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम T आ गया जब आपके अंदर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया है ना। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए आपके लिए इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपसे अगर इक्वेशन याद है आपको तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल दे उस तरीके से जो डायरेक्ट पूछा जाता है इन फॉर्मूले पे उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अब देखिए कॉलेज से जो अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं उनकी भी चर्चा कर लेते थोड़ी सी, जैसे मान आपको एक दो तीन बातें और ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, कि जैसे टी बराबर जीरो होता है उस टाइम पे आपका जो कैपेसिटर है वो प्लेन वायर से रिप्लेस हो जाता है, ध्यान रखना है चीज का, और टी बराबर इनफाइनाइट पे आपका कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक। तो अपन किसकी बात करें जीरो से इनफाइनाइट के बीच की, तो सपोज करिए जैसे आपको कोई सर्किट दे रखा है इस तरीके से, मान लीजिए एक रेजिस्टर यहाँ पे दे रखा है आपको, और इस यहाँ पर एक बैटरी आपके पास, इसका कैपेसिटेंस सी है, इसका रेजिस्टेंस आर बोल देते हैं, इसको भी आर बोल देते हैं, और इसका पोटेंशियल हो गया वी। तो आपसे पूछा गया फाइंड
आई मैक्स, यानी कि सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना होगा, यहाँ से जो करंट जाएगा आई, सपोज करिए यहाँ पर आ गया आई वन और उस पर लिया आई टू, तो आई वन आई टू की वैल्यू भी पूछी जा सकती है और मैक्सिमम करंट आपसे पूछा गया सिंपल फाइंड आई मैक्स, तो आई मैक्स और क्यू मैक्स, तो आई मैक्स का नाम आते हैं आप समझ जाओगे टी बराबर जीरो की कंडीशन से, किसकी कंडीशन है टी बराबर जीरो की, मीन्स आपका जो कैपेसिटर है उसको किससे रिप्लेस करना है प्लेन वायर से, तो आपका जो सर्किट डायग्राम है सिंपल ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। इसके लिए आई मैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, ये आर आर और ये वी, तो दोनों पैरेलल में तो आर बाई टू और यहाँ पर वी, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी वी बाई आर बाई टू, है ना, तो टू ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा टू वी बाई आर, ये हो गया आपके पास मैक्सिमम करंट सर्किट का। अब इसमें करंट की वैल्यू आई वन, इसमें करंट की वैल्यू आई, आई वन तो क्या हो जाएगा अगर पोटेंशियल ड्रॉप बी का है तो इसके क्रॉस भी कितने का आएगा बी का आएगा, इसके क्रॉस भी कितने का आएगा बी का, तो आई वन की वैल्यू भी हो जाएगी आपके पास वी बाई आर और आई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी वी बाई आर, ये तो अपने सर्किट थ्योरी में पढ़ा था। अब बात करते हैं मैक्सिमम चार्ज के लिए, तो मैक्सिमम चार्ज के लिए जो आपके पास कैपेसिटर है उसको किससे रिप्लेस करते हैं ओपन सर्किट से, तो आपका जो सर्किट डायग्राम है कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, है ना, आपका जो सर्किट डायग्राम है वो इस तरीके से हो गया, ये वी वोल्ट की बैटरी है सपोज करिए आर और ये आर, यहाँ कैपेसिटर था, अगर कैपेसिटर के अक्रॉस अपने को पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाए तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी सी इंटू वी, यानी कि अगर कैपेसिटर के अक्रॉस आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हो तो मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा, और क्यू मैक्स का मतलब इनफाइनाइट है तो आपका कैपेसिटर ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दे। अब हमारे ओपन सर्किट से तो इस वाले सिस्टम का आर इक्विवेलेंट निकाले, क्या निकाले हैं आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा आर के, क्यों इस वाले का कोई काउंटर नहीं है क्योंकि ऊपर कोई करंट नहीं है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए इस ब्रांच में करंट बताइए जो पहले लिखा था अपन I2, तो ये तो हो गया जीरो, इस वाले में I1, तो I1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी V by R, I1 की वैल्यू क्या होगी V by R, तो जो रेजिस्टेंस अगर आपका कैलकुलेशन में काउंट नहीं होता है जिसके ऊपर करंट नहीं फ्लो नहीं कर रहा तो आर इक्विवेलेंट में उसको नहीं लिखा जाता, ये आपने उसमें भी देखा था सर्किट थ्योरी के अंदर और वही कहानी यहाँ पे रिपीट हुई, तो आई वन की वैल्यू इस बार कितनी आई सॉरी जो करंट यहाँ से निकलेगा आई उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी वी बाई आर और आई वन की वैल्यू भी क्या आएगी वी बाई आर। अब आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना कि कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, यहाँ पर कोई करंट नहीं आपके पास तो ये तो सबसे इजी और सिंपल डायग्राम है, देखे ध्यान से अगर ये वी वोल्ट है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप वी लिख सकते हो, इस वाले पॉइंट में वी होगा इस वाले पॉइंट में भी वी, यहाँ जीरो जीरो और जीरो, जब इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं है तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल वी है तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा वी और यहाँ पर कितना होगा जीरो, यानी ये कैपेसिटर के अक्रॉस आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो कितना रहा है वी का रहा है, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी सिंपल सी इंटू वी, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास सी इंटू, ये तो था इसका इजी न्यूमेरिकल, है ना, और न्यूमेरिकल्स देख लेते इसी फॉर्मेट के ताकि थोड़ी क्लियरिटी आए आपको, थोड़ा सर्किट डायग्राम चेंज करते हैं और t बराबर जीरो और t बराबर इनफिनिटी की कंडीशन को लेके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो सपोज करिए जैसे आपके पास एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से दे रखा है, और यहां पर बैटरी लगा दिया आपने, सपोज करिए ये है r और ये r, ये 2R और ये R, ये V वोल्ट की बैटरी और कैपेसिटेंस कितना है सी, आपसे पूछा गया आई मैक्स बताओ और क्यू मैक्स, दो चीजें फाइंड आउट करनी है आपको आई मैक्स और क्यू मैक्स, तो आई मैक्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो आई मैक्स के लिए आपको पता चल गया होगा क्या करना है कि कैपेसिटर को किससे रिप्लेस करना है प्लेन वायर के लिए, किससे रिप्लेस करना है प्लेन वायर से, तो जब आप इसको प्लेन वायर से इस बार एसी डायग्राम बनाएंगे तो इस वाले को प्लेन वायर से रिप्लेस करोगे तो आपके पास जो आर इक्विवेलेंट है इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं आई मैक्स के लिए, और आई मैक्स का मतलब जो टी बराबर जीरो पे मैक्सिमम होता है तो ये प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है कैपेसिटर, तो अब आर इक्विवेलेंट निकाले सर्किट का, तो ये हो जाएगा आर और आर दोनों सीरीज में है तो 2R और ये 2R और ये 2R दोनों किसमें पैरेलल में, तो दोनों का कितना होगा आर इक्विवेलेंट आर हो जाएगा, अब ये आर और ये आर सीरीज में होंगे तो आपका जो आई आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 2R, कितना आ जाएगा आर और आर किसमें सीरीज में, ये हो गया पैरेलल तो 2R और 2R का आर, अब ये आर और आर सीरीज में आपके पास तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 2R आ गया, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी वी बाई आर और आर कितना है 2R, तो ये सर्किट में करंट है आपके पास, अगर सपोज करिए इस ब्रांच में भी आपसे करंट पूछ लेता है तो बताइए इस ब्रांच में करंट कितना है और इस ब्रांच में करंट कितना है, ठीक है क्या आई वन आई टू की वैल्यू पूछ लेता, अब देखो यहाँ से जो करंट आया आई है ना,
तो वही फ्लो करेगा आगे जाके दो पार्टीशन में डिवाइड होगा, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस बराबर है, यानी कि आई वन बराबर कितना आएगा आई टू, और इस वाले को हाफ कर दो बी बाई फोर आर, ठीक है, बी बाई फोर आर इधर निकल जाएगा, बी बाई फोर आर इधर निकल जाएगा। खैर अपन तो मेन जो कैलकुलेशन करनी है चार्ज की करनी है, किसकी करनी है चार्ज की, तो क्यू मैक्स के लिए आप क्या करते हो, इसको ओपन सर्किट बना देते हो, क्या करते हो ओपन सर्किट। अगर ये ओपन सर्किट है आपके पास तो देखिए ध्यान से, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा इस बार। अब आर इंपीडेंस निकाले सिस्टम का, तो कितना ये आर और आर इस बार किसी काम की नहीं, क्योंकि सर्किट में जो करंट आई टू है वो जीरो है, और करंट ही नहीं है तो उसका सर्किट में कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। तो टू आर और आर अब ये दो सीरीज में हो जाएंगे, यानी कि आपका जो मेन सर्किट है अब तो नीचे वाला सर्किट ही दिखेगा आपको, ये टू आर का और ये बैटरी जो आपके पास, ये टू आर आर, तो ये बैटरी हो गया आपके पास, तो टू आर और आर यानी कि थ्री आर, आई की वैल्यू हो जाएगी बी बाई आर इक्विवेलेंट यानी कि बी बाई थ्री आर, तो यानी कि बैटरी से जो करंट निकल रहा है आप किसके लिए क्यू मैक्स के लिए वो कितना बी बाई थ्री आर। अब बी बाई थ्री आर यानी कि यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है कहाँ से, इस वाले रेजिस्टेंस से आई जो कितना बी बाई थ्री आर, तो इसके अक्रॉस कोने पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हो आप, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहते हो तो बी की वैल्यू क्या होती है आई इंटू आर, और आई की वैल्यू आप निकाल चुके हो बी बाई थ्री आर, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कितनी थी आपके पास आर, यानी कि बच गया सिंपल b बाई थ्री, यानी कि इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस आपके पास जो पोटेंशियल आया इसको बी डैश बोल देते हैं b बाई थ्री। अब देखो यहाँ पर v वोल्ट तो यहाँ पे b था, और b बाई थ्री इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा v माइनस बी बाई थ्री, यानी कि टू वी बाई थ्री, कितना बचेगा टू वी बाई थ्री, ठीक है ना। अब टू वी बाई थ्री बचा, यहाँ जीरो चलेगा, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो, इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं है, तो जितना पोटेंशियल 2V by 3 है वही पोटेंशियल आपको कहां पर मिलेगा इस वाली जगह पर मिलेगा, तो यानी कि जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, यानी कि यहां पर और यहां पर, यानी कि वोल्टेज सॉरी पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर कितना आया 2V by 3 का, है ना। तो मैक्सिमम चार्ज कितना है q बराबर c into v, तो c तो 2cv by 3, ये आपके पास मैक्सिमम चार्ज आ गया जब कैपेसिटर प्लेट पे, जब आपके पास क्या थी कंडीशन कि आपके पास जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसके अक्रॉस फाइंड आउट कर लें, है ना। तो ये इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि आपको किसी भी पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, किसी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, इसके लिए अगर उसने पूछा कि फाइंड क्यू मैक्स, अगर आपको क्यू मैक्स फाइंड आउट करना है तो आपको ध्यान रखना है कि क्यू मैक्स का मतलब इनफाइनाइट है, तो आपका कैपेसिटर प्लेन वायर से रिप्लेस हो जाएगा। और देखिए सपोज करिए जैसे एक और न्यूमेरिकल करते हैं, सही जैसे मान लीजिए आपके पास है व्हीटस्टोन ब्रिज ले लेते हैं, इस बार डेटा देंगे तो मान सपोज करिए 10 वोल्ट या आगे आपके पास 4 6 12 6 और एक कैपेसिटर मान लीजिए 2 माइक्रोफैरड का है, और रेजिस्टेंस मान लीजिए आपके पास 1 ओम का है, तो 4 ओम 12 ओम 6 ओम और 6 ओम इस तरीके से आपको दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है वही ये जो कैपेसिटर प्लेट है इस पे मैक्सिमम चार्ज निकालना है, आपको क्या निकालना है मैक्सिमम चार्ज, तो क्या कंडीशन होगी अगर आपके पास मैक्सिमम चार्ज है तो इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं होगा, मतलब सर्किट को ओपन कर दो आप, तो सर्किट को ओपन करोगे तो यहाँ पर कोई करंट नहीं है। अब ये और ये आपस में किसमें होंगे सीरीज में, और ये और आपस में किसमें होंगे सीरीज में, और फिर दोनों किसमें होंगे पैरेलल में, तो ये सीरीज में तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 16 और इसका कितना हो जाएगा 6 और 6 12, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो कितना हो गया 16 इंटू 12 डिवाइड बाय 28, ठीक है। तो कितने टाइम जा रहे ये आएगा आपके पास 6, ठीक है 4 से कर लेते हैं तो 7 टाइम्स और 3 टाइम्स यानी कि हो गया ये 48 बाई 7 ओम, कितना आ गया 48 बाई 7 ओम, ये आ गया आपके पास सिस्टम का आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी देगी वी बाई आर, और वी कितना आपके पास 10, तो 10 इंटू 48 बाई 7 10 इंटू 48 बाई 7 तो ये आपके पास करंट आ गया 480 बाई 7 एम्पीयर, ठीक है। अब यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है आई दो हिस्सों में टूट जाएगा I1 और I2 में, इसमें ब्रेक हो गया I1 और I2 में, तो I1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको बताया था, I1 की वैल्यू निकालोगे तो R2
अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू टोटल करंट, यानी कि अगर आप I1 निकालना चाहते हो तो I1 के लिए R2 कौन काम करेगा, ये 4 अपॉन 4 प्लस 6 इंटू टोटल करंट कितना है 480 डिवाइड बाय 7। तो I1 की वैल्यू आ गई आपके पास 4 इंटू 48 बाय 7, ठीक है एम्पियर। और I2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 अपॉन 4 प्लस 6 इंटू जो करंट आया था 480 बाय 7। तो आपके पास I2 की वैल्यू आ गई 6 इंटू 48 बाई 7 एम्पियर। अब I1 I2 आ चुका है तो इसके अक्रॉस ड्रॉप निकाल लेते हैं, इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा I2 इंटू आर का, और इसके अक्रॉस कितना होगा I1 इंटू आर का। तो मैं 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालू यानी कि V6 निकालू तो क्या होगा I1 की वैल्यू कितनी थी अपने पास 4 इंटू 48 बाय 7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है इसके लिए 6 ओम, ठीक है ये हो गया। अब V 4 ओम के लिए निकाले तो इसके लिए I2 की वैल्यू है आपके पास 6 इंटू 48 बाय 7 इंटू आई सॉरी 6 और यहाँ पर कितना है 4, ठीक है I इंटू आर का I की वैल्यू तो है यानी कि I2 है आपके पास और R है, तो ये हो गया। अब आपको ड्रॉप निकालना है यानी कि इस पॉइंट को सपोज करिए 1 बोल दीजिए और इसको क्या हो गया 2, तो V1 निकालना है आपको पोटेंशियल एट 1 निकालना है तो कितना होगा ये 10 है तो ये 10 तो ये भी 10 ये 0 तो ये 0 तो यहाँ कितना होगा इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप बनेगी V4 यानी कि 10 माइनस V4 ये पोटेंशियल आ गया आपके पास। और इसके अक्रॉस निकालोगे यानी कि इसको क्या बोला V2 की वैल्यू निकाली तो V2 की वैल्यू क्या होगी 10 माइनस V6, ठीक। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा अक्रॉस कैपेसिटर आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा होगा V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 जो भी है, तो चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर को सी इंटू बी यानी कि V1 माइनस V2, ठीक है आपको सॉल्व करना है। हालांकि जो आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे तो डेटा इजी आते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए ना, पर प्रोसेस यही है कि अगर आपको क्यू मैक्स निकालना तो कैपेसिटर को क्या कर दो प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो, ठीक है मैक्स के लिए प्लेन वायर सॉरी मैक्सिमम चार्ज के लिए कैपेसिटर को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो, मैक्सिमम करंट के लिए कैपेसिटर को प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो। अब इसमें अगर आपसे मान लो कोई न्यूमेरिकल ऐसा आता है कि चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी भी पूछ लिया जाता है कई बार, हालांकि बहुत कम आए ऐसे वैल्यूज एडवांस के अंदर ही देखे जाते हैं, तो उसको अपन एडवांस इलस्ट्रेशन करेंगे इसके कैपेसिटर के उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ तो है बेसिक अपने पास किसका डिस्चार्जिंग और किस तरह से जो इजी न्यूमेरिकल से या जो डायरेक्ट हो सकते हैं कम से कम टाइम पर मेंस लेवल का क्वेश्चन है वो यहाँ तक ही आपके पास, और अलग अलग अरेंजमेंट बना सकते हैं। आपके पास एक बात ध्यान रखनी है कि क्या ध्यान रखना है कि आपको टी बराबर जीरो पे तो कैपेसिटर को प्लेन वायर से रिप्लेस करना है और टी बराबर इन्फिनिटी पर कैपेसिटर को ओपन सर्किट की तरह रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये जो आपके पास बेसिक डिस्चार्जिंग चार्जिंग और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ओके आज के लिए इतना, थैंक यू।